हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अर्निंग ऐप ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी कुछ बना लिया था, हमारे क्वेश्चन सेट वगैरह तैयार हो गए थे। हम उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे थे। अब हमें उस पर क्लिक वगैरह को सेंस करना है कि क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ। इन चीज़ों को हम लोग आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे क्वेश्चन वगैरह का जो आज का सेटअप है, टाइमर वगैरह सब कुछ चलने लगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि जो हमारे ये सब बंद कर देते हैं, पेपर सेट कुछ नहीं चाहिए अपने को, कोई डैशबोर्ड प्रोफाइल बस अपने को इसकी जरूरत है, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने क्विज सेट बनाया था इस पे हमारे क्वेश्चंस आ रहे थे और वो ऑप्शंस के फॉर्मेट में आ रहे थे, है ना। मैं अगर यहाँ से इसका विजिबल ट्रू कर दूँ, बाद में हाइड कर देंगे, अपने को ये चाहिए था। इसपे भी क्या क्लिक होगा, कार्ड, पूरा का पूरा कार्ड क्लिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे इस पे केवल डेटा जाएगा, बट क्लिक हम इसको सेंस करेंगे यानी कि एनएस को। तो इसको हाइड ही कर देते हैं जैसा था। और हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो एएनएस है, ये वाला कार्ड जो, तो इसके हमें क्लिक लिसनर को सेंस करना है। तो अगर हम इस पे, सॉरी, ans.set ऑन क्लिक लिसनर और न्यू ऑन क्लिक लिसनर करें, तो ये हमारा क्लिक लिसनर बनेगा। और यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस के साथ अपने लिस्ट कुछ और भी चीज कराएंगे हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहले तो जो हमारा, मैं आपको इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, आपको एक एक लाइन समझाते हैं। पहले तो यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन चाहिए होगी ना, जो ये वाली क्वेश्चंस की पोजीशन थी। तो इस पोजीशन पे हमने यूजर का आंसर, आप ध्यान दो कि ऑप्शन में क्या है, टेक्स्ट है, जिसपे क्लिक किया है उसका टेक्स्ट, आपके जो यूजर आंसर वाला एरे यहाँ पे बना था, यहाँ पे ये वाला, इसमें हम अपडेट कर दे रहे हैं। तो वहां पे हमने उस पोजीशन पे ये वाला एरे आंसर अपडेट कर दिया। देन क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, जो हमारा ये कार्ड व्यू है, इसका कलर चेंज करने के लिए सेट कार्ड बैकग्राउंड कलर को हमने चेंज कर दिया इस तरह से। यहाँ पे एक हैश कोड डाल के कलर सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक पॉपअप हम शो करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पॉपअप ले लेते हैं। आप इसको चाहे तो अभी इग्नोर कर सकते हो, ये हमने पॉपअप दिया, अभी हम बनाएंगे, एक टाइप का ये मेथड है। अब क्या है कि इसी चीज को हम अपने बाकी के भी चारों के साथ करेंगे, दो चार, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे एनएस था, एएनएस, तो यहाँ पे बीएनएस होगा और ये सीएनएस होगा और ये डी। आप ध्यान रखिएगा आपने क्या वेरिएबल लिया है उसी के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे देखिए, हमने ए बी सी डी लिया है इन कार्ड ग्रुप का आईडी, इसलिए हमने यहाँ पे ए बी सी डी करके बना दिया। और यहाँ पे जैसे ए ऑप्शन एक्स ए था ना, तो हमने भी यहाँ पे ऑप्शन एक्स ए बी सी डी ले रखा है। तो यहाँ पे हमने यूजर तो यही रहेगा और यहाँ पे ए की जगह बी सी, देन ये आपका डी हो जाएगा, ठीक। कलर सब में सेम है, आंसर इसका ये भी चेंज करना है, तो ये है डी, ये है सी और ये है आपका बी, ओके। अगर हम एक यहाँ पे मेथड क्रिएट कर देते हैं, ये वाला शो पॉपअप, बाद में देख लेंगे इसमें क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक बाहर आने के बाद प्राइवेट
सो पॉपअप का एक मेथड बना ही देते हैं तो एरर हमारी चली जाएगी। तो अभी इतना करने से क्या हुआ कि आंसर जो आप क्लिक कर रहे हैं वो सेव हो जा रहा है, ठीक है। बट नेक्स्ट कैसे होगा उसको देखने से पहले मैं यहाँ पे जेनिमोशन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चीजें हम रन करके देख सकें। अब क्या है कि यहाँ सेट हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, बट नेक्स्ट कैसे होगा? नेक्स्ट होने के लिए एक दो चीजें और कर लेते हैं। जैसे हमने जब यहाँ पे किया था तो ये जो सेट क्वेश्चन है इसमें हमें ये चीज डालने की जरूरत नहीं है, ये चाहे तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, है ना। अगर इस चीज को हम हटा दें यहाँ से, इस पोजीशन की जगह, तो डायरेक्ट अब हमारे पास पोजीशन है, ये कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। अब क्या है कि बस हमें क्या करना होगा, इस पोजीशन को बड़ा प्लस करना होगा, इसको कॉल कर देंगे तो हमारा यहीं पे जैसे कि देखो ये पोजीशन प्लस प्लस, और क्या क्या करना है, लोड क्वेश्चन, ये जो है सेट क्वेश्चन था ना, इसको अगर हम कॉल कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं भी इसे हटाऊंगा, बस आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने पे काम तो हो जाएगा। चलो अपना जेनिमोशन रेडी है, हम इस पे अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं और क्लिक करके देखेंगे कि क्वेश्चन चेंज होता है कि नहीं, ठीक है। चेंज होगा बट एक दो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हम आगे रिजॉल्व करेंगे। वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो देखते हैं, ये लास्ट टाइम तो दो बार हमें रन कराना पड़ रहा था, अभी ये सही होता है कि नहीं। जस्ट वेट, काफी टाइम लग रहा है, बट फ्रेंड्स टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना टेस्ट किए हम काम भी नहीं कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, ये हमारा ग्रेडल रन कर चुका है और ये रन कर गया, कोई इशू नहीं आया। तो अभी हम आते हैं फ्रेंड्स, हमें दो चीजें आपको दिखा दो। तो मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़े से सेट किए हैं, है ना, जो मैंने दो क्वेश्चन रखे थे उस पे। देखो ये तीन मैंने रियल क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था क्वेश्चन डालने में, तो मैंने तीन ही डाला, काफी टाइम लग रहा था तो मुझे आपको सिखाना ही है। हमने ये डाला है, बाद में हम ऑनलाइन कर लेंगे तो मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम ऑनलाइन अपने क्वेश्चन अपलोड करके रखे हैं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड कराने पड़ेंगे हर कैटेगरी में हर जगह पे, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे 10 डाल दिए हैं, और आईडी चेंज करनी पड़ेगी आपको, 1 2 3 4। हालांकि अभी तो चल जाता, बट सही तरीका यह है कि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है ना, आईडी हमेशा यूनिक होती है। या आप नहीं भी करते तो भी काम हो जाता, बट मैं अपडेट करते रहूं, ठीक है। तो ये हमने दो जगह क्वेश्चन डाले हैं 10 10, बाकी ये आप अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, इसको डाल सकते हैं आप, सारे क्वेश्चंस फिल कर सकते हैं बना के, बट मैंने दो जगह बनाया है। तो आइए इस चीज को टेस्ट करते हैं, यहाँ क्वेश्चंस पे आते हैं, बॉलीवुड में आते हैं। पहले वाले में मैंने क्वेश्चन डाले थे, टेक्स्ट में डाला था, तो देखो आया ना, विच बॉलीवुड एक्टर वाज रिसेंटली नेम्ड, बट आई डोंट नो, आई थिंक पहला सही था। तो जैसे ही मैं पहले पे क्लिक करूंगा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अभी जो बना हुआ है देखो, हुआ ना, क्वेश्चन चेंज हो गया और कलर अभी भी यही रह गया। तो ये चीजें गलत है, प्रॉपर हमें मैसेज आए कि हाँ आपका सबमिट हो चुका है, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, ऐसा कुछ बना सकते हैं, एक पॉपअप वगैरह ओपन करा सकते हैं।
उसी चीज के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज हटाई थी और इसकी जगह पे सो पॉपअप लगा रखा है ना। इस चीज को तो करेंगे बट अभी थोड़ी देर बाद एक पॉपअप शो कराएंगे, उसके बाद इस चीज को करेंगे। और पॉपअप शो करने के लिए क्या करना होता है, देखो सो पॉपअप हमारा ये मेथड था। मैं इसको कॉपी करता हूँ फिर से और आपको दिखाता हूँ। इस मेथड की जगह पे मैं ये देखो, ये चीज तो थोड़ा सा अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो एम डायलॉग है इसी के अंदर हमारा पॉपअप ओपन होता है। बट आप जब डायरेक्ट करेंगे ना तो एरर आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें डिलीट करके, ठीक है। सबसे पहले हमने एक डायलॉग लेना है, उसमें एक न्यू डायलॉग ओपन करेंगे, ये हमारा पेज का नाम है, और उस डायलॉग पे एक हमें स्टाइल हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अभी के केस में हमने एक स्टाइल दिया है जिससे ये इसमें थोड़ा सा एनिमेशन आएगा पॉपअप जब ओपन होगा तो। अब इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम आते हैं आर डॉट स्टाइल डॉट मटेरियल डिजाइन पे। देखो ये कोड है एनिमेशन या फिर उसपे थोड़ा सा स्टाइलिंग देने के लिए पॉपअप कैसा ओपन होगा, ठीक है। इस कोड को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल इसको यूज कर लीजिए। और इसके अंदर भी दो चीज कॉल हो रही है, आप ध्यान देंगे तो स्टाइल मटेरियल ये डायलॉग सीट एनिमेशन। देखिए एनिमेशन हमारा इससे आ रहा है, और अगर हम इस चीज को कट कर दें यहाँ से तो भी पॉपअप चलेगा बट विदाउट एनिमेशन। अब एनिमेशन लगाने के लिए ये एक और स्टाइल यूज हुई है, एक्चुअली में ये जो स्टाइल है ना यहीं से कनेक्टेड है, और इसके अंदर दो एनिमेशन बने हुए हैं, एक शो पॉपअप एक हाइड पॉपअप। मतलब जब पॉपअप शो हो रहा होगा तब एक एनिमेशन आएगा, और हाइड हो रहा होगा तब एक एनिमेशन आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब आपको एनिमेशन भी दिखाता हूँ कि एनिमेशन कैसे बना है। तो हम आते हैं एनिमेशन पे, आपको मैं ये प्रोजेक्ट की फाइलें लास्ट में दे दूंगा तो डोंट वरी, आप उसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो एनिमेशन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक एक्सएमएल फाइल लेंगे, और अगर पॉपअप हाइड वाला एनिमेशन देखेंगे तो आपको ये वाला कोड सेट करना पड़ेगा अगर ऐसा ही एनिमेशन चाहिए तो। और अगर शो पॉपअप पे आएंगे तो आपको ये वाला एनिमेशन सेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ एनिमेशन इसमें बना हुआ है। तो आप ये कोड देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा या फिर इसको बना सकते हैं आप। तो ठीक है, आपको बस एनिमेशन बनाने के लिए इन दोनों फाइल को बनाना पड़ेगा। आराम से वीडियो पॉज करें और इनको बना लें, तो आपका दोनों ये एनिमेशन वाली फाइल तैयार हो जाएगी। और इस फाइल को अपने इस वाले सेक्शन में कनेक्ट कर देना है, ये कोड आपका बिल्कुल सेम रहना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप देखिए अब आपका एक डायलॉग बॉक्स रेडी है। अब इसके अंदर भी क्या होता है ना कि ये सिंपल एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, बट इस पे आप कुछ बॉडी वगैरह भी लगा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक कंटेंट व्यू, एक व्यू चाहिए होगा जो हम यहाँ पे लोड कराएंगे,
कैसा व्यू लोड करना है, तो वो व्यू आईडी एक फिर से फंक्शन ले लिया और उसके अंदर व्यू अगर आएगा वो हम भी बाद में देखेंगे। और साथ में इसका बिहेवियर सेट करते हैं कि ये जो हम डायलॉग बॉक्स सेट बनाए हैं इसको क्या करना है। जैसे इसका सेट कैंसिलेबल ट्रू है, मतलब ये कैंसिल नहीं हो सकता है। गेट विंडो मैच पेरेंट है, मैच पेरेंट है। आप इसका मतलब हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं, कहाँ पे शो होना है तो ये सेंटर में शो होगा। कैंसिलेबल क्या है एक बार, यहाँ पे ये गलत है, ये वाला हटा दो। सेट कैंसिलेबल फॉल्स कर दिया तो अभी कैंसिल नहीं होगा। अगर आउटर बॉडी में कहीं भी क्लिक होगा, जब ये अभी ओपन होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देन यहाँ से ये शो हो गया, ठीक है। तो अभी ये शो हो गया, बट हम क्या कर रहे हैं कि दो टाइप का हमें चाहिए होगा व्यू, मतलब एक कंप्लीट होने पे कुछ और आएगा ना, जब लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा तब दूसरा व्यू ओपन करेंगे, और बीच बीच में जब आएगा तो हमें नेक्स्ट करना होगा तो एक दूसरा व्यू ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे दो व्यू ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे दो व्यू बनाया था। और ये चीज चेक करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक इफ की कंडीशन। मैं उस कंडीशन को भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि करंट पोजीशन है क्वेश्चन की, जो हम आपको याद होगा यहाँ पे भी डाल रहे थे सेट क्वेश्चन में, है ना, ये करंट पोजीशन है। और यहाँ पे क्विज आईडी मतलब ये जो हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं, ये वाला एरे, इसी में तो टोटल क्वेश्चन होंगे। तो इस क्विज आईडी की लेंथ निकाल के अगर -1 कर दें, ठीक है, अगर उससे भी कम होता है यहाँ पे पोजीशन, तो क्या होगा कि एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ओपन होगा, सॉरी नेक्स्ट वाले होंगे। समथिंग कंफ्यूजन है आई थिंक। वेट वेट वेट, एल्स में हम क्या चलाएंगे, चेंज क्वेश्चन। एल्स में हम चलाएंगे चेंज क्वेश्चन। पोजीशन लेस देन, देखते हैं अभी इसमें अगर रिवर्स पे दिक्कत आती तो। सब मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि ये जब चलेगा व्यू, व्यू को अगर मैं होल्ड करूं, चलो व्यू नहीं लेते तो एरर आ जाएगी आई थिंक, क्योंकि व्यू तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट हम इन दोनों व्यू को बनाएं या पहले चेंज क्वेश्चन चेंज करते हैं, छोड़ो व्यू देख लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये क्लिक हुआ, पॉपअप शो हुआ, तो हमने चेक किया कि ये उससे छोटा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेंज क्वेश्चन करेंगे। तो चेंज क्वेश्चन भी हमने एक फंक्शन बना रखा है। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को चेंज कराएंगे, और चेंज क्वेश्चन में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है, ये यहाँ से जब चेंज क्वेश्चन आएगा तो फिर से हम देख लेंगे भैया ये जो हमारा करंट पोजीशन है ये उससे छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, बाद में समझेंगे। छोटा है अगर तो प्लस प्लस कर देंगे, ये +1 लिखो, या इस तरह से कर सकते हैं प्लस प्लस, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कर देना है, लोड क्वेश्चन नहीं करना है, लोड क्वेश्चन नहीं करना है, बल्कि ये सेट क्वेश्चन करना है। ओके, सेट क्वेश्चन कर देंगे। और अगर इसके बराबर हो जाता है ना, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमें क्या करना है, सबमिट क्विज कर देना है। यानी कि अब हमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आ गया, और अब कोई क्लिक कर रहा है, टच कर रहा है, तो हमारा क्विज जो होना है वो सबमिट हो जाना है। तो सबमिट में हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये पूरा फॉर लूप चलाएगा और चेक कर लेगा कि आंसर इक्वल है यूजर आंसर से। तो जितना भी आंसर मैच करेगा उसमें करेक्ट आंसर को प्लस कर देगा। करेक्ट कहाँ मिल रहा है, ये देखो करेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था, इनिशियली 0 रहेगा, फिर इसको ये प्लस करता जाएगा, ये सबमिट जब भी रन होगा, यानी ये जब लास्ट क्वेश्चन चेंज होगा ना तब ये रन कर जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल हो चुकी होगी।
ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये पॉपअप भी बना लिया जाए। अब पॉपअप बनाने के लिए मैं पहले ये वाला पॉपअप लेता हूँ जिसमें हमें नेक्स्ट करना होगा। तो एक हमें व्यू की जरूरत पड़ेगी, तो इस व्यू को देखते हैं क्या को है, क्या है इस व्यू में। पहले व्यू, एक्चुअली में चलना यही है ना, जब लेस होगा तो ये वाला आना है, और उस समय हमने क्वेश्चन नहीं चेंज किया। मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा क्यों, कोई बात नहीं सब समझ लेंगे। देखो अब जब ये व्यू कॉल हुआ ना, यहां से ये वाला व्यू, ठीक है, अभी इसमें एरर है, कोई बात नहीं। तो अभी आपको बहुत चीजें, जब मैंने ये व्यू लगाया तो काफी इजिली हो गया, बट आपको अभी मुझे काफी कुछ समझाना पड़ेगा। एक न्यू व्यू लिया, लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करके यहाँ पे इन्फ्लेट कर रहे हैं आर डॉट लेआउट, एक एक दूसरा व्यू एक टाइप का बना रहे हैं। और इसको अगर आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे लेआउट में आना पड़ेगा, लेआउट में आना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, ऐड न्यू लेआउट रिसोर्स बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप इस कोड को अपने में बनाएं। अब मैं इस कोड को समझाता हूँ एक्चुअली में क्या है। ये एक डिजाइन है, सिंपल सी डिजाइन है, कुछ भी खास नहीं है। एक लीनियर लेआउट ले लिया है, बैकग्राउंड वाइट कर दिया है, इसमें एक एनिमेशन लगाया है जो कि रन करेगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको नोटिस हो रहा होगा यहाँ पे एक एनिमेशन आ रहा है। देन एक टेक्स्ट व्यू लिया है कि दिस क्वेश्चन इज हैज बीन आंसर्ड, दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। इसके बाद आपको एक और लेआउट लेके यहाँ पे सिंपली हमने दे दिया। देखो मैंने एक चीज इसमें रखी है, उस चीज को मैं हटा देता हूँ, बाद में इसको यूज करेंगे, ठीक है, बाद में हम इसको यूज करेंगे, वो टच वाले के लिए है, बट करेंटली यही है ये दिस क्वेश्चन आंसर। फिर एक लेआउट ले लिया, और इसमें क्या है कि कार्ड व्यू यूज कर रहे हैं, जो ये बटन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे और आ जाते हैं अपने इस वाले से इस पे। ये हमारा यहाँ पे आया, फिर हमने वहां पे ये चीज तो हटा दी थी, बस हमारे पास एक बटन है, इस पे क्लिक होगा तो चेंज हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, अब मेरे को समझ में आ गया कि ये चीज भी सही है और यहाँ भी हम लोग सही है। जब ये लेस होगा तो हमारा पॉपअप ओपन हो जाएगा, और अभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज तब होगा जब हम यहाँ इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे फिर से हमने चेंज क्वेश्चन लगा रखा है, और चेंज क्वेश्चन की जगह, हाँ चेंज क्वेश्चन लगा रखा है, तो ये क्या होगा इस पे आ जाएगा, और अब की बार यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। गुड, सही है, ठीक है। तो आप एक बार इसको फिर से समझें कि जब लेस है तब हमारा एक पॉपअप ओपन हो रहा है जिसपे क्वेश्चन चेंज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी चेंज नहीं होगा जब तक इस बटन पे क्लिक नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये व्यू आया, इस व्यू पे हमने क्या किया, एक इन्फ्लेटर एक व्यू लोड किया, इसमें डन बटन लगाया, जब ये डन बटन क्लिक हुआ तब जाके क्वेश्चन चेंज हुआ, और ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स था वो हमने हाइड कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपना दूसरा वाला व्यू ले लेते हैं, और दूसरा व्यू में हमें काफी कुछ करना है, तो डोंट वरी ये भी हम कर लेंगे फटाक से। अब दूसरा व्यू जब हमने लिया, ये फाइनल व्यू है, ये देखो हर क्वेश्चन के बाद ही आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब सारा आंसर दे दिए होंगे हम, है ना। ये देखो ये कंडीशन कब तक है, जब सारे क्वेश्चन अभी एक एक करके दिए जा रहे हैं, लेकिन जब लास्ट क्वेश्चन आएगा तो उस समय ये मेथड भी रन करेगा, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो गया, और चेंज होने पे क्या आएगा, सबमिट क्विज पे चला जाएगा, देन ये पॉपअप भी ओपन होगा और इस पे आएंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट का आपको फिर से लेआउट बनाना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ बना रखा है, और इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली एक
एनिमेशन यहाँ ले रखा है, ये हम सो हाइट करेंगे, दो एनिमेशन एक्चुअली में होंगे यहाँ पे। एक एक एनिमेशन है जब कोई मतलब सक्सेस हो जाएगा, और एक एनिमेशन होगा कि फेल भी, तो हमें दिखाना होगा कि भाई आपने जो आंसर दिए है वो ज्यादा नहीं, सफिशिएंट नहीं है। तो हमने इस पे दो एनिमेशन ले रखे हैं, एक फेल वाले के लिए है और एक है क्वालिफाई के लिए कि हाँ आपने कुछ अर्निंग कर लिया तो ये पास। ये दोनों को हम डायनेमिकली शो करेंगे। जब फेल होगा तो ये वाला एनिमेशन चलेगा, इमेज शो होगी, और जब पास हो जाएंगे तो ये वाली इमेज। ये एनिमेशन लोटिफाई से आ रहा है, तो आप लोटिफाई से अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं इसे रन करके आपको दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे क्या है कि तीन है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, करेक्ट कितने हुए और रॉन्ग कितने हुए। ये चीज हमें बनाने के लिए, आपने कई बार बनाया है ऊपर भी, तो बस तीन कार्ड व्यू लिया और ये बना दिया हमने, तीन तीन ही हो गए। इसके बाद टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम दिखाने हैं इट्स मार्क। कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिख सकते हैं, मार्क ऑफ एजुकेट माइंड टू बी एबल, पता नहीं क्या लिखा है, विदाउट एक्सेप्टिंग इट। आप जो भी मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं, ये अभी चेंज होगा, इससे कोई मतलब नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीजें आसान है, बस कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने चीजों को कॉपी पेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये सब मैं बनाता तो काफी ज्यादा टाइम लग गया था, फिर ट्यूटोरियल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर लास्ट में यहाँ गो टू होम का बटन दे दिया जिसे आप क्लिक करके होम बटन पे जा सकते हैं। तो आइए इसकी कोडिंग देखते हैं कैसी हुई है। तो बैकएंड में आता है, ये हमारा लेआउट है, इस पे हमने डन बटन दे दिया, टोटल क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, रॉन्ग मैसेज, जो मैसेज वहां पे आ रहा था, क्वाइन वगैरह हैं, इनको देखेंगे। तो टोटल हमारे क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन आईडी डॉट लेंथ, इतने हमारे क्वेश्चन हैं। करेक्ट कितने हुए, जो वहां से इंक्रीमेंट हो, रॉन्ग कितने हुए, टोटल माइनस करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे तीनों बॉक्स में निकल गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए मार्किंग कर रहे हैं कि करेक्ट अगर लेस देन टू है, दो क्वेश्चन से कम करेक्ट है, तो अमाउंट जाएगा जीरो, मैसेज आएगा कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ओके, और अगर करेक्ट टू से ज्यादा होते हैं तो हमने कुछ अमाउंट पर पास कर दिया, 0.2 रुपया, आप जो भी इसको समझ लें। इसी तरह एल्स में आते हैं, और यहाँ पे अगर तीन से चार हैं तो आप 0.6 रुपया दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या अमाउंट आप पास करते हो। हमने एक लॉजिकल आपको समझाने के लिए बना दिया है कि तीन से चार हैं तो 0.60, चार से छह हैं तो 0.80, और छह से आठ हैं तो 1 रुपए 10 पैसे। इसी तरीके से 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज आप दे सकते हो, अगर 10 भी सही होते हैं तो। फिर यहाँ पे हमने दे दिया कि अमाउंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एक मैसेज हम दे दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन यू हैव अर्न समथिंग दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमने दिए है ना, क्योंकि रुपीज आप दिखा नहीं सकते हैं, एडसन बोलते हैं आप किसी को पैसा नहीं दे सकते हो, तो हम पॉइंट में दिखाएंगे इसको। ठीक है, बाद में
वॉलेट वगैरह में आप दे दीजिए, बट यहाँ पे आपको पॉइंट ही देना चाहिए सेफ्टी के लिए। फिर अगर आप डन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको मेन एक्टिविटी पे पहुंचा देगा। तो आई थिंक ये हमारा कोडिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी तक सही है, इसको रियली में रन करके देखते हैं। तो जेनिमोशन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है, अभी भी हम लोगों ने टाइमर नहीं बनाया है, तो कोई बात नहीं, टाइमर भी बना लेंगे, ट्रांसलेटर भी लगाएंगे, सो हाइट भी लगाएंगे, सब भी करेंगे, पहले इतना होने दीजिए। और इन चीजों के लिए एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में काफी कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है। और डोंट वरी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है अगर तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको पूरी पूरे मदद करूंगा आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में। तो ये फिर से नहीं रन हुआ, नहीं रन हुआ, आई थिंक क्या हो गया, फिर से मुझे चलाना ही पड़ेगा। पहली बार में तो रन हो जा रहा है, बट दोबारा रिंग मोशन में ऐप एक बार में ओपन नहीं हो रहा है। तो हम आते हैं सिनेमा बॉलीवुड क्विज सेट 1। अब देखो यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं किसी पे भी अगर क्लिक करता हूँ, चाहे वो सही होगा या गलत होगा, तो एक पॉपअप ओपन हुआ। देखो ये एनिमेशन है जो हम दिखा रहे थे, और ये एक पॉपअप आया, दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देना है, नेक्स्ट। ओके, ये जो टिक है ना, ये गलत है, ये नहीं करना है अपने को। ये गलत इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमें अभी ये चीज नहीं लगानी थी, ये इसका यूज करेंगे एक्चुअली में। जब हम दोबारा से टू टच वाला करते हैं ना, तब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमने पहले क्लिक किया था इसलिए बना है। बट डोंट वरी, वो भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये ऐप अभी फिर से इंस्टॉल हो जाएगा और हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ऐप ओपन हो गया है, और यहाँ पे आते हैं सिनेमा बॉलीवुड क्विज सेट 1 टेक्स्ट। और अब मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन 1 पे क्लिक करता हूँ तो ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन चेंज हो गया। सेकंड, ये भी आंसर्ड हो गया। थर्ड, थर्ड भी आंसर हो गया। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया, तो अब आप ऐसा करते जाइए, क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, है ना। मैं 200 कर लेता हूँ तो हमें क्लियर हो जाएगा लास्ट वाले पॉपअप में चेंज आया कि नहीं आया। 9, अब की बार मैं जैसे ही टच करूंगा तो ये क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। अभी कुछ गलती हो, 10 10 10 अब होगा, ये देखो। तो अब यहाँ पे एक एनिमेशन आ रहा है कि करेक्ट हो गए 2, बट कांग्रेचुलेशन, यू हैव अर्न 0.20 पॉइंट्स। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 2 करेक्ट हुए, 8 रॉन्ग हुए, 0.20 हमें मिला, जो हमारी ये कंडीशन थी वो भी काम की पॉप अप वाले में। पॉप अप कहाँ गया, सो पॉप अप ये व्यू में आए, हाँ यहाँ पे। करेक्ट, अगर देखो 0.02 होता है तो अमाउंट ये होता है, ठीक तो सही है हमारा। 2 क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे हमें 0.2 मिले, और अब हम यहाँ पे गो टू होम कर सकते हैं, और तो ये होम पे आ जाएंगे, तो सही है। अब इसमें प्रॉब्लम एक दो हैं, उन चीजों को भी हम रिजॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे टाइमर आना चाहिए और ये आना चाहिए। कॉइन हम यहाँ नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ हम सही गलत तो काउंट नहीं कर रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए, तो लास्ट में आएगा, तो ये भी तो एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे आप कुछ और रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं इन दोनों को बना के दिखाता हूँ कि ये सब कैसे चलेंगे। तो इसके लिए देखो, क्लिक कर रहे हैं तो आंसर हुआ, बट ये चेंज नहीं हुआ। टाइमिंग कितनी होनी है ये सब आपको सेट करना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, आई थिंक इसके लिए हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा ये टाइमर बनाना है इसको। ये तो इजीली हो जाएगा, बट फिर ये ट्रांसलेटर लगाना और ये सो हाइड करना, डबल टच करना, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे बट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कीप लर्निंग, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।